हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कॉम स्कॉलर आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे डिविडेंड पॉलिसी देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, में ये एक अच्छा चैप्टर है एंड इजी भी है डिविडेंड के लिए आपको डिविडेंड इस पॉलिसी को समझने के लिए आपको कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि डिविडेंड को कैसे बांटा जाता है और इसके में जो जो होते हैं

या फिर किसी भी कहीं से बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से या किसी और कंपनी से जो है डेट या डिबेंचर जो है वो इशू कर देना राइट right? तो मेजरली आपने ये पढ़ा हुआ दैट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी आपने पढ़ी होगी रिलेटेड तो आपको वहां पर आपने पढ़ा होगा कि कि कंपनी जो है मेनली कौन कौन से डिजन लेती है रिगार्डिंग द कैपिटल से दैट दैट इज इज दैपिटल कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं दैट इज इक्विटी एंड डेट मीनस या तो कंपनी इक्विटी की तरफ जाए या डेट की तरफ जाए और मान लीजिए कंपनी को दोनों ने ले तो मिक्सअप लेना पड़ेगा कि बट मिक्सचर जो है वो परसेंटेज इक्विटी का कितना होगा और डेट का कितना होगा बिकॉज हमारा मेन लिए क्या देखना को अपनी कॉस्ट को भी तो रिड्यूस करनी होती है ताकि कंपनी के ऊपर बर्डन ना हो राइट तो ये सारे जो की डिसीजन होते हैं वो कहां हैं दैट पर लिए जाते इज अंडर फाइनेंस डिसीजन राइट नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने क्या पढ़ा था कंपनी कहाँ से पैसा उठाती है अब मान लीजिए कंपनी कहीं से भी पैसा उठा हो

अब देखो फर्स्ट स्टेप देखा कि कंपनी कहाँ से पैसे लेके कंपनी कहाँ से पैसे उठा सकती है दूसरा स्टेप में देखा कि कंपनी कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती है लेकिन अब कंपनी ने मान लीजिए अच्छे तरीके से बहुत बढ़िया जगह कंपनी कि इन्वेस्ट किया अब कंपनी को अच्छा प्रॉफिट भी आना रहा होगा तो क्या कंपनी सिर्फ अपने लिए करेगी प्रॉफिट कंपनी क्या करेगी प्रॉफिट क्या करेगी इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा खाना देखो ये कंपनी में देखो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा उठाया होगा तो कंपनी को इक्विटी देना होगा और जब भी याद रखोगे आप हमेशा कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी मेनली जो दो आस्प, दो एस्पेक्ट होते हैं रिटर्न कमाने के कौन कौन से होते हैं बाय वे ऑफ कैपिटल गेन और बाय ऑफ रेगुलर इनकम बाय वे ऑफ रेगुलर इनकम कैपिटल गेन मींस अगर मान लीजिए किसी कम, कि, 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 किसी शेयर होल्डर ने अगर क, कि, किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट किया है तो लॉन्ग टर्म डिजिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करती है ठीक है मीन्स आज इन्वेस्ट किए एक लाख इन्वेस्ट किया पांच साल बाद बेचा पांच साल बाद उसकी वैल्यू सपोज होगी थ्री लाख

तो पहले कंपनी डिसीजन लेके कंपनी कि कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट बांटे और कितना उनको जो है प्रॉफिट रिटेन करना है फॉर द फ्यूचर राइट सो दीज डिसनेजर राइट अब देखते हैं कि कंपनी डिविडेंड जब बांटती है तो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या होता है जैसे मान लीजिए मैंने टाइमलाइन बनाया है दैट इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 2022 स्टार्ट कहाँ से हुआ है फ्रॉम द अप्रैल टिल ऑफ मार्च फाइनेंशियल ईयर कंपनी स्टार्ट करती है एजीएम जनरल मीटिंग हेल्ड करनी होती है एंड उस मीटिंग में बेसिकली दो टाइप की मीटिंग होती है एक तो होती है आपकी एक ऑर्डनरी मीटिंग और एक होती है स्पेशल मीटिंग

तो कंपनी को कंपनी कैसे थी सरप्लस अकाउंट दिखेगी देखिए ये सरप्लस अकाउंट कहां से आया देखिए आपने एक नाम पढ़ा होगा दैट इज कॉल्ड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये आपने इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ा होगा बट अभी चेंज हो गया है अब इसका नाम दे दिया दैट इज सरप्लस अकाउंट तो क्रेडिट में लिखा होगा दो भी कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न किया वो क्रेडिट मारेगा राइट अब कंपनी कि उसमें से कितना रेटिंग करना है तो बैलेंस क्या बचेगा डेवर हंड और वो अमंग शेयर होल्डर में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा देन

वो किसके लिए लेते हैं दैट इज़ टू मैक्सिमाइज शेयर शेल्डर हेल्थ ऐसा क्यों होता है जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हो आपने उसके शेयर परचेज किए हुए हैं so, सो जब तक आपके रिटर्न नहीं बढ़ेंगे तो क्या आप उस कंपनी पर रिलाई कर पाओगे कितने टाइम तक आप उसके उस कंपनी में बने रहोगे अगर बिकॉज एक आप शेल्डर हो आपके मेनली दो ऑब्जेक्टिव होते हैं दैट इज़ टू अर्न बाय वे ऑफ कैपिटल गेन और टू बाय वे ऑफ रेगुलर इनकम दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड

इन कैश कंपनी के पास कैश अवेलेबल नहीं हो पाता इतना तो कंपनी को देखो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना कई बार मजबूरी हो जाती है देखिए आप शेयर होल्डर हो आप तो आस लगाए बैठो कि कंपनी कब डिविडेंड डिक्लेयर करेगी कब हमें डिविडेंड मिलेगा लेकिन मान लीजिए कंपनी के पास कैश ही अवेलेबल नहीं है तो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कैसे करे मान लीजिए मैं फिर से एग्जाम्पल ले रहा हूँ मान लीजिए कंपनी के पास प्रॉफिट अवेलेबल है ठीक है रिजर्व भी है कैश नहीं है कैश ही नहीं है

कंपनी के करते एक तरह का एक वारंटी इशू कर देती है अमंग इक्विटी होल्डर और उसमें क्लियरली लिखा होता है दैट यू कैन रिडीम दिस मच अमाउंट आफ्टर दिस डेट तो इससे कहते हैं एक जो शेयर होल्डर होते हैं वो को रिलैक्स हो जाते हैं वो कि हाँ चलो कोई नहीं डिविडेंड नहीं मिला लेकिन हमको वो कंपनी ने एक वारंटी इशू कर दिया तो हम ये पैसा कभी भी इस टाइम इस के बाद हम कभी पैसा रिडीम कर सकते हैं

इक्विटी डिविडेंड को एक, एक डिवेंचर डिविडेंड डिविडेंड में करते हैं ताकि वो मिलता रहेगा तो जो उसको ऑप्ट करना चाहेंगे तो ऑबली ठीक है तो देखिए ये सब तो देखो प्रॉपर जो है मीटिंग होती है सब जो आजकल देखो ऑनलाइन मीटिंग होती है तो वहां पर जो है आप अपने तरीके से जो है वोट कर सकते हैं कि क्या इक्विटी शोल्डर डिविडेंट डिस या नहीं लेना चाहती बिकॉज कंपनी में आज कैश अवेलेबल नहीं है तो जब तक सेवेंटी फाइव परसेंट से ज्यादा डिविडेंड इक्विटी शोल्डर उसको उसके फेवर में नहीं वोट करते तब तक वो जो है मतलब जो भी डिसीजन होता है वो ऑपर नहीं कर देता राइट देन थर्ड वन वी है देट इज कॉल्ड बोनस डिविडेंड कैश अवेलेबल नहीं है तो कम कर करती है जो भी एग्जिस्टिंग इक्विटी चलते तो उनको कर बोनस इशू कर देती है देन थर्ड वन वी है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी डिविडेंड देखिए बहुत ही अनयूजल तरीके का डिविडेंड है प्रॉपर्टी डिविडेंड जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की कंपनी को मान लीजिए सौ करोड़ का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है और वो बहुत कंपनी के पास एन नंबर्स ऑफ इक्विटी होल्डर हैं तो कंपनी क्या करते हैं अपने कुछ इन्वेंट्रीज या कंपनी के पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी है कंपनी क्या करती है उसको उसको वो प्रॉपर्टी उनके नाम कर देती है कुछ पार्ट या जो भी है देखिए प्रैक्टिकल देखा जाए बहुत बहुत टाइम लगता है ये और ये एक कह सकते इस तरह का ये इम्पोसिबल इंप, मैनर है तो बस ये ऑन पेपर कैसा होता है थ्योरी बेस इस पर पढ़ रहे हैं कि ये ये भी एक तरीके का डिपेंट हो सकता है देन फेस वन वी हैव ये बेसिकली जो है मिक्सचर है कैश का और इन्वेंट्री या फिर कह सकते हो तो आप प्रॉपर्टी यानी कि कंपनी के पास कुछ पैसा है और कुछ पैसे कंपनीट्री के फॉर्म में या प्रॉपर्टी के फॉर्म में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए तो उसको क्या बोलते हैं इज कॉल्ड कंपोजिट डिविडेंड सो आर दी वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड नाउ कमिंग टू प्रैक्टिकल पार्ट वट इज ऑल अबाउट डिविडेंड पॉलिसी देखिए कंपनी कोई भी जब भी डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूट रहती है कि कंपनी को कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या नहीं भी करना या कितना पार्ट उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए तो कंपनी के पास मेनली दिखती है दो दो थ्योरी होती है फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड रिलेवेंट थ्योरी एंड सेकेंड वन वी हैव दैट इज कॉल्ड थ्योरी रिलेवेंट थ्योरी रिलेवेंट थेरी केट वो थ्योरी यानी कि वो डिसीजन जो मेनली अफेक्ट करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस पे आई रिपीट रिलेवेंट थ्योरी का मतलब क्या होता है कंपनी की वो डिसीजन या कि कंपनी कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट बढ़ेगी उसका मेनली इफेक्ट कंपनी के ओवरऑल प्राइस जो शेयर होता है क्या उस पर इफेक्ट करेगा नहीं करेगा अगर करता है तो दैट मीन्स रिलेवेंट नहीं करेगा तो इ आई रिपीट जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लूँ कि कंपनी ने जो है डिविडेंड पे आउट रेस हो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कंपनी ने करा सेवेंटी परसेंट मान लीजिए कंपनी ने, ने हर शेयर पे दस रुपये कमाए

ऑल देखिए मेनली आपके पास जो है दो टर्मोलॉजी हैं आर एंड के पहले ये समझना पड़ेगा ये क्या है आर का मतलब क्या है था रेट ऑफ डिसीजन रेट ऑफ रिटर्न विच कुड बी अचीव्ड बाय कंपनी इन फ्यूचर यानी कि कंपनी आज ही कह रही है कि ये ये एक आर दैट मीन्स एक रेट ऑफ रिटर्न है कि कंपनी सोचती कि फ्यूचर में होने वाले रिटर्न ये हो सकते हैं हमारे कंपनी बस अपनी पोजिशन लगाती है कंपनी आज के हिसाब से देती है कि हमारी फाइनेंशियल पूछनी है और हमारे फ्यूचरिस्टिक गो हैं और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स को वो एड ऑन करके कंपनी बताती है कि हमारी फिच, हमारी फ्यूचरिस्टिक क्या है रेट ऑफ रिटर्न है यानी कंपनी इतना रिटर्न कमा सकती है देन के ई या अपने कैपिटल चेंज होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में तो के ई क्या होता है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी या इसको नाम हो सकते हैं दैट इज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स देखिए सीधी सी बात है अगर आपने किसी कंपनी के शेयर होल्ड किए हुए हैं ठीक है ठीके? तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन होगी वो आपके लिए रिटर्न है लेकिन कंपनी के लिए क्या है वो कॉस्ट बन जाएगी राइट चलिए अगर कंपनी डिविडेंड पॉलिसी अडोप्ट करती है एज पर वोल्टर सपोर्ट तो मेनली तीन केस होते हैं फर्स्ट वन दैट इज आर एजन के एन यहाँ पर देखिए आर है अभी ऊपर हमने पढ़ा फ्यूचर में होने वाले रिटर्न अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखिए ध्यान से देखिए ये है ई आपके एक्सपेक्टेशन और ये आर है कंपनी के एक्सपेक्टेशन आर मीन्स कंपनी के एक्सपेक्टेशन कंपनी आगे कितना कमा सकती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि आज आप कितना अर्न कर सकते हो ये मैं जो बता रहा हूँ ये किसके पॉइंट से बता रहा हूँ फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर होल्डर्स आप आज कंपनी से कितना ले सकते हो कितना कमा सकते हो ठीक है तो देखिए कंपनी बोलती है कि हमारी जो भी डिविडेंड अप्रोच होगी अगर अगर हमारे ये सिचुएशन हो कंपनी बोलना चाहिए कि कंपनी को आज डि, 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 डिसीजन लेना है कि कंपनी को कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है कंपनी के हिसाब से देखोगे तो कंपनी के कंपनी कहती थी हम अगर डिविडेंड आज बांट देंगे तो हमारा पैसा कम होगा और लेकिन फ्यूचर में हम बल्कि ज़्यादा कम आना चाह रहे हैं देखिए आर इज ग्रेटर देन के ई यट मीन्स रेट ऑफ रिटर्न जो फ्यूचर में जो, जो कंपनी अचीव करने वाली वो है वो बहुत ज़्यादा है ठीक है और आपकी एक्सपेक्टेशन उससे उससे मतलब काफ़ी आगे है तो अब इस इस सिचुएशन में कंपनी को क्या डीजल लेना चाहिए तो क्या होना चाहिए डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी लीस्ट टू लीस्ट बस सीधी से बात है ना मैं देखिए कंपनी अगर आज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट आपको कर देगी तो कंपनी के पास कैश होल्डिंग कम होगी और कैश होल्डिंग कम होगी तो कंपनी इन्वेस्ट कम करेगी इन्वेस्ट कम करेगी तो फिर रिटर्न कम मिलेगा और कंपनी बोले अगर हम आज आपको लीस्ट से लीस्ट अगर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे करेंगे लेकिन मान लीजिए कम से कम किया तो वहाँ पास कैश होल्डिंग ज़्यादा होगी ठीक है क्या हमारे पास

बेस्ट क्या होना चाहिए भाई जितना हो सारा ही दे दो जो भी प्रॉफिट है सारा दे दो राइट देन ये हो गया सेकेंड केस थर्ड केस क्या है अगर मान जी इक्वल हो तो वैसे तो घर रे चांसेस है बट इक्वल हो तो तो क्या हो गया एक इरेलीवेंट अप्रोच हो जाएगी इ बट देखिए यहां पर कन्फ्यूजन ही हो सकती है कि क्योंकि सर अभी आपने बोला सिर्फ वोल्टर अप्रोच तो इिलिवेंट हो रही है और आप केस तरीके के अकॉर्डिंग बोले कि इवेंट है देखिए ये जो

देखिए हम जो मेनली क्या पढ़ना चाह रहे हैं दैट इज डिवेंट पेयर रेशो और रिलेवेंट थ्री यानी कि रिलेवेंट थ्री क्या कहती है कि डिवेंट पेयर रेशो कंपनी का कुछ भी हो उसका मेनली इफेक्ट करेगा कंपनी के शेयर प्राइस पे कंपनी की शेयर प्राइस पे तो मेनली हम क्या निकालना चाह रहे हैं कि कंपनी की शेयर आज की शेयर वैल्यू क्या होगी आर की शेयर वैल्यू क्या होगी ये है डिविडेंड डी फोर डिविडेंट डिड बाई के

यानी कि कंपनी ने जितना अर्निंग पर शेयर जो भी है उसमें से अगर मैं डिविडेंड निकाल दूं तो कंपनी के पास क्या बचा रिटेन अर्निंग ठीक है और वही निकाल रहे हम तो रिटेन अर्निंग को क्या करा हमने मल्टीप्लाई कर दिया फ्यूचर में होने वाले आर से डिवाइड बाई के ई और फिर ओवरऑल हमने के ई से डिवाइड कर दिया तो आपके पास रिटेन का आपके पास हिसाब आ जाएगा और दोनों को मिक्सचर हमने कर दिया और फिर देखा कि ओवरऑल क्या कंपनी की प्राइस पे उसका इफेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है राइट right. चलिए इसको और अच्छे समझने के लिए हम इससे कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन देखिए द रिटेन अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी आर अर्निंग्स पर शेयर ऑफ द कंपनी आर रुपीज टेन इट हैज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फिफ्टीन परसेंट एंड कैपलेन रेट ऑफ रिस्क इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट कंपनी की देखिए अर्निंग पर कि हर शेयर पे कंपनी कितना कमा रही है रुपिस्टेन कंपनी बोलना चाह रही है कि हमारे जो फ्यूचरिस्टिक जो रेट ऑफ रिटर्न है ये आपको गिवन है स्मॉल आर दैट इज फिफ्टीन परसेंट एंड कैपोशन रेट ऑफ रिस्क कंपनी की रिस्क क्या इक्विटी है यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो वो कितना दैट इज देखिए आर कितना है फिफ्टीन परसेंट के ई कितना है ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट दैट मीन आर इज ग्रेटर देन के ई

एट दिस पे आउट रेशो एट दिस पे आउट रेशो दैट मीन्स अगर मान लीजिए कंपनी बोलती है अगर आप जो जो भी आपने ऑप्टिमम जो भी आपका ऑप्टिमम पे आउट रेशो है तो उसके अकॉर्डिंग जो है प्राइस ऑफ शेयर कितना होना चाहिए तो वो निकालना हमें देखिए बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी हो और कुछ नहीं करना क्वेश्चन नंबर वन देखिए देखिए आपके पास देखिए इ गिवन है दैट इज टेन आर गिवन है आपको दैट इज फिफ्टीन परसेंट के ई गिवन दैट इज आपको ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट राइट एंड अभी हमने देखा कि जो ऑप्टिमम ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होना चाहिए आपका दैट इज जीरो परसेंट यानी आपने यानी कंपनी जितना भी कमाया वो सारा कंपनी का अगर है रिटेन रिटेन करना चाह रही है राइट right? तो एज पर दिस अप्रोच कंपनी कंपनी की प्राइस वैल्यू क्या होगी देखिए अभी फॉर्मूला पढ़ा था क्या पढ़ा था, था हमने तो देखिए इसको कैसे देखो हमें निकालनी है प्राइस डिविडेंड कितना बांट रहे देखिये जीरो के ई कितना है ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट तो कोई इस तरह से लिखेंगे इसको प्लस ई माइनस डी देखिए ई कितना है अर्निंग पर शेयर टेन डिविडेंट जीरो है आपका डिविडेंट कितना, कितना है आपका जीरो है आर कितना है फिफ्टीन परसेंट तो पॉइंट वन फाइव डिवाइड बाय पॉइंट वन टू फाइव के ही इतना है एंड देन ओवरऑल आपका पॉइंट दिस वैल्यू दैट्स इट तो पी वैल्यू आपके पास आएगी दैट इज कोल्ड नाइनटी सिक्स

रेशो इज इक्वस टू ट्वेंटी परसेंट देन वट वुड बी द प्राइस ऑफ द शेयर क्या हो गया देखो पी एक्वस टू देखिए डिविड पर कितना देखिए कंपनी कि ने दस रुपये कमाया तो उसका बीस परसेंट कितना होगा टू यानी कि डी डिड बाई के ई कितना है दैट इज पॉइंट वन टू फाइव प्लस ई कितना है टेन डिविट e कितना बैठ रही है टू मल्टीप्लाई बाय पॉइंट वन फाइव बाकी सब सेम रहेगा डिवाइडेड बाय पॉइंट वन टू फाइव दैट्स इट देखिए इसको सॉल्व करते हैं अब तो देखिए ओवरऑल जो वैल्यू आ रही है दैट इज पी हमारी कितनी आ रही है दैट इज नाइंटी टू पॉइंट एट नाइंटी टू पॉइंट एट अब देखिए अगर इसको हम थोड़ा एनालाइज करेंगे वोल्टर अप्रोच क्या कहता है कि अगर आर इज ग्रेटर तो यही है, e, तो तो right? तो है बांटते ही नहीं अगर कंपनी तो प्राइस कितना आना चाहिए नाइनटी सिक्स और वोल्टर अप्रोच कौन सी थ्योरी आपकी रिलेवेंट थ्योरी यानी कंपनी जो भी डिसीजन लेगी वो रिलेवेंट होगी कंपनी के प्राइस पे इफेक्ट करेगा और वह हुआ भी देखिए कंपनी जब बांट नहीं रही थी तो नाइनटी सिक्स वाली आएगी लेकिन जब कंपनी डिवेंड पे बाटा ट्वेंटी परसेंट हो गया तो देखिए कंपनी की प्राइस वैल्यू कम हो गई इसलिए इसको बोलते हैं हम कौन सी है सॉरी रिलेवेंट अप्रोच आपकी राइट चलिए नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास पर शेयर ऑफ द कंपनी आर ट्वेल्व इफ इक्विटी कैपिटाइजेशन टाइव परसेंट एंड रेट ऑफ रिटर्न इज ट्वेंटी परसेंट using Voltas formula calculate the price share if the companies adopt payout ratio of nil 40% 100% देखिए काफी इजी क्वेश्चन आपका आपको e गिवन है 12 रेट इक्विटी कैपिटलाइजेशन गिवन यानी कि आपको ke गिवन है 12.5% r गिवन आपका 20% यानी कि सेम जो भी प्रीवियस क्वेश्चन के वैसे चीज आपकी when r is greater than ke और अगर आप वोल्टर अप्रोच उसको फॉलो कर रहे हो ठीक है तो आपको निकालनी है प्राइस शेयर निकालनी है अगर पे पेयर ट्रेक्शो फर्स्ट केस में नील है उसके बाद फोर्टी परसेंट है उसके बाद हंड्रेड परसेंट है तो फिर उसके अगर प्राइस क्या चाहिए राइट तो अब देखिए फॉर्मूला में वैल्यू देखना आपका आंसर आ जाएगा अब आंसर देखिए आपकी ये आना चाहिए अब देखो आंसर को थोड़ा एडनाइंस कर लेते हैं देखिए जब नील है यानी कंपनी जब बाटी नहीं रिडिविडेंट हमारा लिस्ट टू लिस्ट होना चाहिए तो प्राइस वैल्यू कितना रही है वन फिफ्टी थ्री पॉइंट सिक्स बट जब फोर्टी परसेंट मैंने डिवेंट ट्रिक्शो क्या हो फी परसेंट तो वैल्यू देखिए कम होगी वन थर्टी पॉइंट फाइव सिक्स

आपसे आप पूछा कि आर यू सेटिस्फाइड विद द करंट डिविडेंड पॉलिसी ऑफ नॉट व्हाट शुड मॉडल तो देखिए पहले एक बार देख लेते आपको क्या क्या है? पहले है देख लें अर्निंग पर शेयर दैट मीन आपको ई गिवन है उसके बाद है कि डिविडेंड यानी कि आपको कितना डिविडेंड बांट रही है सिक्स लाख कमाया कितने कंपनी ने दस लाख उसने डिविडेंड कितना बाट रही है सिक्स लैख तो डिविडेंड पे रेच कितना हो गया सिक्सटी परसेंट इसके बाद नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितने हैं टू लैख ठीक है तो देखिए इसको तरीके इसको करना कैसे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए पहला मैं निकालेंगे कि अर्निंग पर शेयर अर्निंग पर शेयर देखिए कमा कितनी है कंपनी दस लाख कमा रही है और नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं टू लैख यानी कि ई पी एस कितना हो गया रुपीज़ फाइव यानी कि हर शेयर पर कंपनी पाँच रुपये कमा रही है अभी हमने देखा डिविडेंड तो हमें निकालना पड़ेगा डिविडेंड पर शेयर कंपनी कितना डिविडेंड है कंपनी का पेड कितना क्या कि है सिक्स लैख कितना क्या कि है सिक्स लैख और कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हुए हैं टू लैख तो देट मीन डी पी एस यानी कि डिविडेंड पर शेयर कितना हो गया रुपीज़ थ्री आइट अब हमें और क्या क्या चाहिए देखिए एक तो हमें चाहिए के ई और एक आर चाहिए मेनली तो हमारे यही है अब देखिए हमें क्या क्या, क्या क्या गिवन है हमें गिवन है प्राइस अर्निंग रेशो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन आपको ओके आपको देखिए ये तो गिवन है आपको आर आर कितने गिवन है आपको फिफ्टीन परसेंट बट आपको के ई निकालना है देखिए के ई कैसे निकालते हैं बेसिकली हम का दूसरा मेथड भी है दैट मीन्स वन डिवाइड बाय पी ई प्राइस अर्निंग रेशो दैट मीन कंपनी आपको हर शेयर पे कितना काम आगे दे रही है ठीक है तो आप लेज ले आपके हैं। तो आपकी तो क्या आती है? तो है आपकी तो के कैसे निकालेंगे बस तो वन डिड बाई पीई रेशो कितना आपका दिस तो आपकी वैल्यू कितनी होगी पॉइंट वन टू फाइव यानी कि जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो के कितना की आपका ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट राइट right? तो बस अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं अब बस आपको सारी वैल्यूज क्या करनी है फॉर्मूले में पुट करनी है देखिए पी जीरो बाई के ई कितना है पॉइंट वन टू फाइव प्लस ई कितना है दैट इज फाइव डी कितना है थ्री मल्टीप्लाई बाय आर कितना है फिफ्टीन परसेंट डिवाइड बाय के ई पॉइंट वन टू फाइव एंड ओवरऑल डिवाइड करेंगे पॉइंट वन टू फाइव राइट right? तो देखिए टू मल्टीप्लाइव पॉइंट देखिए ओवरऑल जो वैल्यू आएगी आपके कितना फोर्टी थ्री पॉइंट टू राइट आंसर मैच हो रहा होगा गैस फोर्टी थ्री पॉइंट टू तो हमसे पूछा गया था कि हम क्या हम सेटिस्फाइड हैं इस कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी से देखिए नहीं

है वन 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 नहीं कंपनी की वोल्टर अप्रोच फॉलो कर रही है तो कंपनी के हिसाब से फिर कंपनी की ओवरऑल प्राइस शेयर क्या होने क्या होगी ये होगी फोर्टी एट तो देखिए बढ़ गया कंपनी जब बांट रही थी तो फोर्टी थ्री पॉइंट टू जब बाटी गई नहीं एज पर वर्ल्डर अप्रोच तो कंपनी की ओवरऑल प्राइस वैल्यू बढ़ गई दैट इज फोर्टी एट राइट सो स्टूडेंट्स आई गेस अब आपको समझ आ गया होगा एंड मैं जो ये पी डी एड जो शेयर कर दूंगा एंड आप उसके अकॉर्डिंग आप जो अपने क्वेश्चन है वो ट्राई कर लेना लेनाइट सो आई होप आपको ये फर्स्ट जो आपको दैट इज रिलेवेंट अप्रोच समझ आया होगा डिस्कस करेंगे regarding the next that is called golden approach okay i hope you have understood very well thank you